अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक, और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन का डिमर किस तरह चेंज किया जाता है, लेकिन डिमर को चेंज करने से पहले डिमर को किस तरह चेक किया जाता है ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलें वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पंखे के बारे में शिकायत है कि ये पंखा बिल्कुल नहीं चलता, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंखा कोई हरकत नहीं कर रहा। अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें बोर्ड खोलकर इसका स्विच चेक करना चाहिए, फिर इसका डिमर चेक करना चाहिए। अब हम इसका बोर्ड खोलते हैं। बोर्ड को खोलने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि पंखे की तार कौन सी है। जो तार डिमर के साथ लगी हो वही पंखे की तार होती है, और इसी तार से हमने पंखे को भी चेक करना है। अब सबसे पहले हमने पंखे के स्विच को चेक करना है, और चेक करना है कि क्या स्विच में करंट आ रहा है। टेस्टर की मदद से स्विच के इनसाइड को चेक करना है कि करंट आ रहा है, और अगर करंट आ रहा है तो स्विच के आउटसाइड से चेक करना है। अब इसी तरह डिमर के भी इन और आउट दोनों को चेक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिमर में इन साइड पर करंट तो आ रहा है, लेकिन आउटसाइड में डिमर करंट को आउट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि डिमर खराब है। अब हमने क्या करना है? पंखे की तार को पंखे के स्विच के इन या आउटसाइड पर लगाना है, और स्विच को ऑन पोजीशन में रखना है, जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पंखा ऑन हो चुका है। इससे कंफर्म हो गया कि पंखे का डिमर ही खराब है। अब हमने इसको चेंज करना है। अगर आपके पंखे का डिमर ठीक है तो फिर आप पंखे का कैपेसिटर चेक करें। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। ये डिमर हमने बाजार से परचेज किया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा है फॉर यूपीएस। हमें यही डिमर लगाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल लोड शेडिंग की वजह से हर घर में यूपीएस लगे हुए हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी यूपीएस लगा हुआ है तो आपको यही डिमर लगाना चाहिए। होता यह है कि यूपीएस के बगैर वाला डिमर यूपीएस पर चलाने से जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार डिमर चेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए हमें इस तरह का डिमर इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसी तरह बोर्ड पर लगे डिमर पर जो नट लगे हैं उनको भी खोल लें, और साथ में डिमर की तारों को भी। और याद रखना है कि इस काम को बहुत एहतियात के साथ करना है। स्विच को ऑफ पोजीशन पर रख के डिमर की तारों को खोलना है। अगर फिर भी कोई खतरे वाली बात हो तो आपको मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और बिजली को पूरी तरह ऑफ करके फिर डिमर को चेंज करना चाहिए। अब पुराने डिमर को उतार कर नए डिमर को भी उसी तरह लगा देंगे, और पंखे की तारों को भी डिमर के साथ वैसे ही लगा देंगे। अब हम पूरी तरह बोर्ड के कनेक्शन करने के बाद पंखे को एक दफा ऑन करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि पंखा ऑन हो चुका है। पंखे के ऑन होने के बाद बोर्ड को भी वैसे ही जोड़ दें जैसे कि पहले खोला था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।